हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। हुकूमत धरना खत्म कराने में नाकाम, हुकुम पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बरहम जिले इंतजामिया को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। बंद रास्ता किसने खोलना है, सब कुछ अदालत पर ना डालें, खुद भी कुछ करें। जस्टिस शौकत अजीज के रिमार्क्स, मजीद 48 घंटे की मोहलत दी जाए। वजीर दाखिला एहसन इकबाल की इस्तदा, समाज जुमेरात तक मुलतवी। साजिशी अनासर फायदा उठाते हुए चाहते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई लाल मस्जिद या मॉडल टाउन जैसा सानिया हो जिससे हुकूमत के लिए और पाकिस्तान की रियासत के लिए बहरान पैदा किया जा सके। वजीर दाखिला एहसन इकबाल की एक बार फिर धरना कायदीन से एहतजाज खत्म करने की अपील, कहा नहीं चाहते कि लाल मस्जिद या मॉडल टाउन जैसा वाकया पेश आए। दुश्मन धरने से पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। फैजाबाद में तहरीक लब्बैक का धरना आज भी जारी, मुजाहिरीन टस से मस न हुए। रास्ते बंद होने से आवाम की दुश्वारी बरकरार, कराची में नुमाइश शरंगी पर भी धरना। पिछले 14 दिन से रियासत बेबस है, हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। कौमें तब ही बनती हैं जब हीरोज की यादगारें तामीर होती हैं। जर्मन सेनेट का इस्लामाबाद में यादगार शोहदा की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। नवाज शरीफ की अवामी एहतसाब की बात, फसाद बरपा करने की कोशिश है। इमरान खान की तनकीद, अदलिया और आइन पर हमलों से साबित हो गया कि नवाज शरीफ के पास जराइम के दिफा में कहने को कुछ नहीं। खैरपुर में ट्रक ड्राइवर की गलती ने 20 मुसाफिरों की जान ले ली। कोयले से भरा ट्रक ओवरटेकिंग के दौरान वैन पर उलट गया, लाशें गाड़ी काट कर निकाली गईं। इक्तदार संभाला तो मुल्क बहरान का शिकार था, पाकिस्तान उभरती हुई मईशत बन रहा है। वजीर आजम का पोर्ट कासिम में LNG टर्मिनल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। हर दौर में नौजवानों को रोजगार दिया, पाकिस्तान को तरक्की पसंद मुल्क बनाएंगे। पीपल्स पार्टी रिवायती सियासी जमात नहीं बल्कि एक खानदान की तरह है। मखदूम अमीन फहीम की दूसरी बरसी पर हाला में मेडिकल कॉलेज का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से बिलावल भुट्टो का खिताब। MQM रॉ के एजेंट की जमात है, अल्ताफ हुसैन रॉ के एजेंट की जमात है और ये जो बकिया MQM है वो उनकी बाकियात है। MQM पाकिस्तान बानिए MQM की बाकियात है। हम बारीक नहीं बड़ा काम करते हैं, हमारी सियासत भाई को भाई से मिलाने के लिए है। मुस्तफा कमाल की कोयटा में सहाफियों से बातचीत। सानिहा तुर्बत के बाद पंजाब में इंसानी स्मगलर्स के गिर्द घेरा तंग, नौजवानों को तुर्बत भेजवाने वाला एक और स्मगलर गुजरावाला से गिरफ्तार। जेरे हिरासत मुलजमान की तादाद 8 हो गई। कराची में एक बार फिर लोग लापता होने लगे, चंद दिनों में 15 से जायद शहरी गुम हो गए। घर वालों ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया, अदालत का बाजियाब कराकर 20 दिसंबर तक पेश करने का हुक्म। मुल्तान में सड़कों पर चलते ट्रकों का सामान लूटने वाला गिरोह सरगर्म, वारदात की CCTV फुटेज आज ही उसने हासिल कर ली। चूड़ियां फरोख करने के बहाने घरों में डकैती करने वाली 4 औरतें पेशावर में गिरफ्तार, मसरू का सामान और नकदी बरामद।
मिनी ट्रक्स को लाहौर में दिन के औकात में दाखिले की इजाजत मिल गई। इंतजामिया से मुजाकरात कामयाब, बाबू साबू चौक पर एहतजाज खत्म। शायद पाकिस्तान के लिए आखिरी फाइट हो, फिर अमेरिका या जनूबी कोरिया की शहरियत लेने का फैसला करूंगा। मैं नहीं चाहता कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करूं और पाकिस्तान के लिए नहीं खेलूं। ये मेरी शायद पाकिस्तान के लिए आखिरी फाइट हो और इसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मैं कोरियन नेशनलिटी लूं या अमेरिकन नेशनलिटी लूं।